हेलो दोस्तों, एस एम प्रमोद चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम ब्लैक बुक लेकर चल रहे हैं साइनोइंटो, तो पिछले वीडियो में मैंने 160 तक बता दिया हूं और आज मैं 61 से लेकर चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का हो जाएगा रोक लगाना, इसका हो जाएगा ब्लॉक कर्व। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का हो जाएगा ब्लॉक कर्व। और मैं इसका और भी बता देता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसका हिंडर हो गया, हिंडर, डेटर, हैम्पर, दीवार, इम्पिड, ऑब्स्ट्रैक्ट, प्रिवेंट, थॉट, स्टैमी, इस सब का हो जाए रोकना। क्या हो जाएगा, एक और आउट बदल देता हूँ, हिंडर, डेटर, हैम्पर, दीवार, इम्पिड, ऑब्स्ट्रैक्ट, स्टैमनी और सब का हो गया रोकना। और ब्लॉक कर भी हो जाएगा रोक लगाना। और इसका साइन एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट का, असिस्ट, अलाउ, क्लियर यानी सहायता या पास करना। क्या हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट का एंटोनिम, असिस्ट, अलाउ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है परनिशियस। परनिशियस का हो जाएगा हानिकारक। परनिशियस, परनिशियस का हो जाएगा हानिकारक। इसका साइन हो जाएगा इंजूरियस, इंजूरियस, डेंजरस, डेंजरस, स्पाइटफुल। क्या होगा, परनिशियस का हो जाएगा इंजरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल साइनोनिम हो जाएगा। और इसका एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल, काइंड यानी लाभकारी और दयालु। परनिशियस का एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल और काइंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का हो जाएगा प्रधानता, प्रेसिडेंस यानी प्रधानता। और इसका साइन हो जाएगा प्रायोरिटी, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होता है महान होता है उसको प्रायोरिटी मिलता है, इसे प्रायोरिटी हो जाएगा, प्रेसिडेंस यानी प्रधानता, प्रायोरिटी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसरप्शन, डिसरप्शन यानी व्यवधान। इसका डिसरप्शन, प्रेसिडेंस का एंटोनिम हो जाएगा डिसरप्शन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट क्या हो जाएगा अनावश्यक। क्या हो जाएगा रिडंडेंट, रिडंडेंट माने अनावश्यक है। और इसका साइन नेम हो जाएगा अननेसेसरी। क्या हो जाएगा अननेसेसरी साइन हो जाएगा रिडंडेंट का। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिक्वायर्ड कंसाइन यानी आवश्यक। क्या हो जाएगा रिडंडेंट का साइन हो जाएगा रिक्वायर्ड कंसाइन यानी आवश्यक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रेलिवेंट यानी उपयुक्त। रेलिवेंट यानी उपयुक्त हो गया, रेलिवेंट, रेलिवेंट का हो जाएगा उपयुक्त। और इसका साइन हो जाएगा अप्लीकेबल। क्या हो जाएगा रेलिवेंट का हो जाएगा अप्लीकेबल। और इसका एंटो हो जाएगा इनअप्लीकेबल यानी आप उपयुक्त नहीं है, कोई चीज़ मैंने करने के लिए योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीमाइंड। रिप्रीमाइंड माने हो जाएगा फटकार लगाना, रिप्रीमाइंड माने हो जाएगा फटकार लगाना। इसका साइन हो जाएगा रिबॉक, रिबॉक, रिप्रोच। क्या हो जाएगा रिबॉक, रिप्रोच यानी क्या हो जाएगा रिप्रीमाइंड का हो जाएगा रिबॉक, रिप्रोच। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिवार्ड, फॉरगिवनेस, कॉम्प्लीमेंट यानी क्षमा करना, प्रशंसा करना। किसका हो जाएगा रिप्रीमाइंड यानी फटकार लगाना, उसका एंटोनिम हो जाएगा रिवार्ड, फॉरगिवनेस, कॉम्प्लीमेंट यानी क्षमा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डिड यानी घटिया। क्या है सॉर्डिड, सॉर्डिड का हो जाएगा सॉर्डिड यानी घटिया। और इसका साइन हो जाएगा अनप्लीजेंट, डर्टी। क्या होगा सॉर्डिड का हो जाएगा घटिया और इसका साइन हो जाएगा अनप्लीजेंट, डर्टी। और इसका हो जाएगा एंटोनिम रिस्पेक्टफुल यानी सम्मानित, सम्मानित या सम्मानजनक। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का हो जाएगा अप्रमाणिक। स्प्यूरियस का हो जाएगा अप्रमाणिक यानी जिसको प्रमाण नहीं है। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस को हो जाएगा अप्रमाणित। और इसका साइन हो जाएगा फेक,
और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑथेंटिक, जेन्युइन यानी प्रमाणिक। इसका स्पूरियस का हो जाएगा फेक, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑथेंटिक, चिनिया यानी प्रमाणिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न का हो जाएगा कठोर, स्टर्न हो जाएगा कठोर, और इसका साइन हो जाएगा स्ट्रिक्ट। स्टर्न, स्टर्न का हो जाएगा कठोर और इसका साइन हो जाएगा स्ट्रिक्ट, और इसका एंटोनिम हो जाएगा लीनियंट, लाइट यानी नरम हल्का। कहा जाएगा लीनियंट लाइट यानी नरम। स्टर्न का हो जाएगा कठोर, स्ट्रिक्ट, लीनियंट लाइट, इसका नरम हो जाएगा एंटोनिम है। स्टर्न का एंटोनिम लीनियंट लाइट यानी नरम। और चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते ट्रम्प। ट्रम्प, ट्रम्प माने सफलता, TRIUMPH, ट्रम्प माने सफलता। इसका साइन हो जाएगा फैक्ट्री, ट्रम्प का साइन हो जाएगा फैक्ट्री, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफेट, डिफेट सोरो फेल्यूर यानी हार दुख। क्या हो, ट्रम्प का हो जाएगा फैक्ट्री साइनो, और इसका एंटो हो जाएगा डिफेट सोरो फेल्यूर यानी हार जाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेन। अब्सटेन, अब्सटेन का जगह संयम रखना, अब्सटेन का हो जाएगा संयम रखना, और इसका साइन हो जाएगा रिफाइन, रिफाइन माने संयम रखना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इंडल्ज, इंडल्ज परस्यू माने लिप्त होना, इंडल्ज और परस्यू माने लिप्त होना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अक्वेट। अक्वेट माने धारदार, यानी जैसे बहुत धारदार नहीं है, शार्प कहते उसको, धारदार यानी तेज। इसका हो जाएगा एक्यूट, एक्यूट माने धारदार, इसका साइन हो जाएगा शार्प, एक्यूट का साइन हो जाएगा शार्प, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लंट यानी भोतरा। एक्यूट का हो जाएगा साइनोनिम शार्प, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एफुलेंस। एफुलेंस का हो जाएगा एफुलेंस, एफुलेंस का हो जाएगा संपन्नता, एफ्लुएंस हो गया संपन्नता, इसका साइन हो जाएगा वेल्थी। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का हो जाएगा साइन वेल्थी, और इसका हो जाएगा साइन रिचनेस। एफ्लुएंट, एफ्लुएंस माने संपन्नता, वेल्थी और रिचनेस इसका साइन हो जाएगा, और इसका एंटो हो जाएगा पॉवर्टी यानी गरीबी, दरिद्रता। क्या हो जाएगा, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का हो जाएगा पॉवर्टी यानी कुछ, मतलब पॉवर्टी, गरीब को कुछ पूर्ति नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एगाइल। एगाइल का हो जाएगा फुर्तीला, एगाइल, एगाइल का हो जाएगा फुर्तीला, इसका हो जाएगा एक्टिव, क्विक, निम्बल, एक्टिव, क्विक, निम्बल, इसका हो जाएगा साइनोनिम किसका हो जाएगा, एगाइल, एगाइल का हो जाएगा एक्टिव, क्विक, निम्बल, और इसका एंटोनिम हो जाएगा लिथार्जिक यानी सुस्त। क्या हो जाएगा, लिथार्जिक। गाइल का एंटोनिम हो जाएगा लिथार्जिक यानी सुस्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बेनो वैलेंट यानी परोपकारी। बेनो वैलेंट यानी परोपकारी, बेनो वैलेंट यानी परोपकारी, इसका साइन हो जाएगा काइंड, जीनियर, जेनरस। बेनो वैलेंट, बेनो वैलेंट का हो जाएगा परोपकारी, इसका काइंड, जेनरस साइन हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलेवेंट, मेलेवेंट, मार्सिलेस, स्टिंगी। क्या हो जाएगा, बेनिवोलेंट का हो जाएगा परोपकारी, इसका साइन हो जाएगा काइंड, जेनरस, और इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलेवेंट, मार्सिलेस, स्टिंगी यानी द्वेषी, निर्दयी, कंजूस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउस। कॉलस, कॉलस का हो जाएगा कठोर। नेक्स्ट वर्ड है कॉलस। कॉलस का हो जाएगा कठोर, इसका हो जाएगा ब्रूटल। कॉलस का साइन हो जाएगा ब्रूटल यानी कठोर, इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा कैरिंग, सेंसेटिव, सेंसेटिव, कैरिंग, सेंसेटिव, सिंपैथेटिक। क्या हो जाएगा, कॉलस का, कॉलस का हो जाएगा ब्रूटल,
इसका जगह एंटोनिम कैरिंग, सेंसिटिव, सिंपैथिक, कंसर्न्ड का जगह संवेदनशील, सहानुभूति यानी चिंतित। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गोगेंट का हो जाएगा निराश, निश्चात्मक। गोगेंट का हो जाएगा निश्चात्मक और इसका साइन हो जाएगा इफेक्टिव, कन्वेंसिंग, रिटेशनल। कोजेंट का हो जाएगा निश्चात्मक, इसका हो जाएगा इफेक्टिव, कन्वेंसिंग, रिटेशनल इसका साइन हो जाएगा और इसका एंट हो जाएगा इम्पोर्टेंट, अनकन्विंसिंग यानी अविश्वसनीय। क्या है कोजेंट का एंटोनिम? इम्पोर्टेंट, अनकन्विंसिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कॉन्साइन। कॉन्साइन का हो जाएगा संक्षिप्त, कॉन्साइन का हो जाएगा संक्षिप्त और इसका साइन हो जाएगा ब्रीफ, कॉन्साइन का हो जाएगा साइन ऑफ ब्रीफ और इसका एंटोनिम हो जाएगा लेंथी यानी लंबा। कॉन्साइन का हो जाएगा साइन ऑफ ब्रीफ और इसका एंट हो जाएगा लेंथी यानी लंबा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जेनियल माने अनुकूल हो गया, कॉन्जेनियल का अनुकूल हो गया और इसका साइन हो जाएगा फेवरेबल, कोडियल, कम्पटेटिव, फ्रेंडली, सोशिएबल, कम्प्लासेंट सब इसका साइन हो जाएगा और इसका हो जाएगा अनप्लीजेंट यानी अप्रिय। कॉन्जेनियल का हो जाएगा साइनोनिम फेवरेबल, कोडियल, कम्पटेटिव और इसका हो जाएगा अनप्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉटेल। कॉटेल का हो जाएगा घटाना, कॉटेल का घटाना इसका डाउन साइज यानी साइन हो जाएगा कॉटेल का घटाना डाउन साइज और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिज्यूम यानी बढ़ाना, इनलार्ज और लेंथेन फिर से शुरू करना या बढ़ाना या लंबा करना। रिज्यूम, इनलार्ज, लेंथेन किसका हो जाएगा? कॉटिल का। कॉटिल का साइन एंटोनिम हो जाएगा। चलिए आज मैंने अक्षकसी तक करा दिया, आप इसको दो बार तीन बार करके देखिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।